हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं कि सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आ गए आपका भाई एक न्यू वीडियो, सो हम फिर से खेलने जा रहे हैं आर्क मोबाइल सर्वाइवल रिवॉल्व। सो गाइस, आप लोग देख रहे हो कि मैं आप बेस पर नहीं हूँ, लेकिन ये किस जगह पर आ गया हूँ मैं बाद में बताऊँगा। लेकिन गाइस, पहले ये बता देता हूँ कि आज हम लोग क्या टीम करने वाले हैं। सो गाइस, आज हम लोग एक ऐसी डायनोस को टेम करने जा रहे हैं जिसको टेम करना सब लोग चाहते हैं। जे जो जो भाई आर्क खेलता है वो सबसे इस चीज़ को ही टेम करना चाहते हैं, लेकिन इसको टेम नहीं कर पाते क्योंकि इसको टेम करने के लिए आप लोगों को 85-90 कम से कम 90 लेवल तो आपको करना ही होगा, उससे पहले आप इसे टेम नहीं कर सकते। लेकिन गाइस, आज मैं एक ऐसी ट्रिक लेकर के आ चुका हूँ जिसके थ्रू आप लोग इसे 40 या तो प्रसाद से 40 लेवल के बाद आप इसे टेम कर सकते हो, और वो है ग्रिफिन। सो गाइस, ग्रिफिन किसका पसंद नहीं है भाई? ग्रिफिन बहुत सारे मतलब जो जो आर्क खेलता है सबको पसंद है, लेकिन ये टेम नहीं कर सकते 85 लेवल से 90 लेवल से पहले इसको टेम नहीं कर सकते। तो मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा कि इसको टेम कैसे करते हैं, मतलब 40 लेवल के बाद ही आप इसको टेम कर सकते हो, लेकिन कैसे। ये जो ग्रिफिन होता है ये आप जब तक आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा तब तक आप इसको टेम नहीं कर सकते। इसको मार सकते हो, अनकॉन्शियस कर सकते हो, लेकिन इसको आप टेम नहीं कर सकते। तो चलो आज चल करके दिखाता हूँ इसको टेम कैसे करते हैं। तो इसके लिए गाइस, पहले हम लोगों को एक ग्रिफिन को पकड़ना पड़ेगा, और उसके लिए हम लोगों को पहले एक केज बनाना पड़ेगा। तो चलो एक बहुत ही बढ़िया केज बनाते हैं जिसमें हम लोग एक ग्रिफिन को पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पर केज बनाना इतना कोई मुश्किल काम तो है नहीं। जिस टाइम मतलब अर्जेंट में इसको टेम करने के टाइम हम लोग जैसे केज बनाया था बिल्कुल वैसे ही केज बनाएंगे। मतलब मैंने यहाँ पर 6 डायनासोर गेट और 2 गेट ले लिया है। तो चलो बनाते हैं एक केज 6 डायनासोर गेट अवे वाला। तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से हो जाएगा, हम लोग को पता है कैसे होगा क्योंकि मैंने अर्जेंट में इसको टेम करने टाइम ऐसे ही एक गेट बनाया था। तो चलो अब लोग एक केज बनाते हैं। तो गाइस ये देखो, ये जो केज है तैयार हो गया है। लेकिन गाइस मेरे को लगता है केज ज़्यादा बड़ा हो गया। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। अब इस दो तरफ 2 गेट लगाना पड़ेगा, 4 ऐसे 4 और 5 से काम चल जाता शायद से। जो हो गया बात, कोई बात नहीं। अब मैं बार बार ऐसी इन्वेंटरी क्यों ओपन करते हो, हॉट बार में है। तो यहाँ पर एक गेट लगा दिया और उस तरफ चल करके यहाँ पर एक गेट लगा देते हैं। गाइस नहीं नहीं, रुको रुको रुको, एक बात, इस गेट को तोड़ देते हैं। यहाँ पर गेट नहीं लगाएंगे अभी, यहाँ पर बाद में लगाएंगे। पीछे की तरफ जो है वहाँ पर एक गेट लगा देते हैं, और यहाँ पर अभी नहीं लाएंगे, यहाँ पर बाद में लाएंगे। ग्रिफिन को लेकर के आएंगे और उसके बाद उसको अंदर घुसा देंगे, और उसके बाद खैर छोड़ो, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ऐसे बोलूँगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो मेरे को फ्री गाइस ये कभी नहीं आया मेरे को, पर जो फ्री गिफ्ट है ना, मैंने कभी फ्री में एम्बर नहीं मिला मेरे को। अभी 3 एम्बर मिल गया है। तो मेरा साइक्लोन किधर है बेटा? साइक्लोन किधर है? तो उस तरफ है। तो चलो साइक्लोन को लेकर के आते हैं, और मैं आप लोगों को एक डेमो दिखाता हूँ कि ग्रिफिन को कैसे लेकर के आएंगे और उसे कैसे केज के अंदर बंद करेंगे। अर्जेंट में इसको जैसे किया था बिल्कुल वैसा ही, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग है क्योंकि मैंने गेट नहीं लगा रखा है। तो इसको मतलब ग्रिफिन को लेकर के आएंगे और यहाँ पर से निकल जाएंगे, और निकल करके यहीं पर पेट्रोन को रख देंगे, और उस तरफ रखेंगे या यहाँ पर नहीं, उस तरफ रखेंगे। तो ग्रिफिन उसको मारने जाएगा और इधर नहीं आएगा, और मैं इस तरफ आकर के यहाँ पर एक गेट लगा दूंगा। तो आप चलो चल करके एक फीमेल ग्रिफिन ढूंढते हैं। और हाँ गाइस, मैं आप लोगों को मैप में इस जगह की लोकेशन दिखा देता हूँ। ये देखो, ये है ग्रिफिन माउंटेन। इस जगह पर ग्रिफिन आप लोगों को बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। 6.5 hours later. तो गाइस यहाँ पर बहुत टाइम से मैं ग्रिफिन ढूंढ तो रहा था, लेकिन फीमेल ग्रिफिन नहीं मिल रहा था। अचानक मेरे को एक 55 लेवल का फीमेल ग्रिफिन मिल गया है। रुको मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किधर गया, किधर गया बेटा वो जो वाइट कलर का, अब किधर चला गया, अबे किधर है तू? चलो ऐसे ही दिखाता हूँ। ये जो वाइट कलर है ना, ये वाला,
ये 55 लेवल का एक फीमेल ग्रिफिन है, ये देखो। तो ये आप ये भी देख लो, यहाँ पर डस नॉट रेस्पेक्ट यू, मतलब इस टाइम ये आपको रेस्पेक्ट नहीं करता है, इसे आप टेम भी नहीं कर सकते। लेकिन इसको कैसे रेस्पेक्ट करना होगा मैं दिखाता हूँ। पहले इसको लेकर के चलता हूँ केज के पास। आजा बेटा मेरे पीछे पीछे आ जा। आ रहा है क्या? आ रहा है? नहीं नहीं क्यों, शायद से किसी को मार रहा है। हाँ ये बड़ा पैची है, इसको मार रहा है। तो क्या करेंगे, वेट करेंगे? नहीं 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 वेट नहीं करेंगे, एक काम करते हैं, इसको चल करके मारते हैं तो ये मेरा पीछे पीछे आएगा। ये ले बेटा, 1 2 3, आ जा बेटा पीछे पीछे। आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है, आ रहा है। तो अब चलो इसको लेकर के चलते हैं केज के पास और केज में इसको बंद करते हैं। तो गाइस मैं इसे केज के पास लेकर के आ चुका हूँ। अब इसको केज के अंदर अटक, मतलब पकड़ना पड़ेगा इसको। इतना ज़ोर से नहीं मारा करते बेटा, धीरे धीरे मार, धीरे धीरे। ये ग्रिफिन बहुत तेज मारता है, पता नहीं क्यों। खैर छोड़ो, अब इसको केज के अंदर घुसाएंगे तो ये हमारा बात सुनेगा, मतलब मानेगा। आना आ रहा है? नहीं आया। चलो बाहर निकलते। अबे ये क्या, मैं अंदर गया तो तब नहीं आया, जब मैं बाहर निकल गया तब आ रहा है। तो कोशिश करते हैं, देखते हैं, ये अंदर तो आना ही पड़ेगा कभी ना कभी। तो इसको अंदर लेकर के आते हैं। और इसको अंदर लेने के बाद हम लोगों को इसका रेस्पेक्ट करना होगा। वो कैसे, बिल्कुल इजी तरीके से दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। लेकिन उससे पहले इसको केज के अंदर आना पड़ेगा। लेकिन ये आ क्यों नहीं रहा? आना बेटा, आजा आजा अंदर, आ जा इधर, अंदर आ जा, अंदर आ जा। क्या कर रहा है? तो ये अंदर आने के लिए कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन आ ही नहीं रहा। ये आ रहा है, आ गया आ गया। तब चलो उस वहाँ पर, तब उस तरफ जा कर के एक गेट लगा देते हैं। गेट किधर है? ये रहा गेट, यहाँ पर लगा देते हैं। हाँ बढ़िया, अब आया ना उठ पहाड़ के नीचे। ये तो बाहर है, मैंने सोचा ये अंदर है। तो कोई बात नहीं, इसको पहले गेट को ओपन कर देते हैं और साइक्लोन को लेकर के चलते हैं और उसे केज के अंदर अटक लेंगे। ये किसको मार रहा है क्या शायद से? हाँ ये बोला ट्राइक को मार रहा है। तो अरे भैया, मैं जिस टाइम से वो इसको मतलब केज के अंदर बंद करने की कोशिश कर रहा था उस टाइम ये नहीं आ रहा, जब मैं इसको कोशिश नहीं कर रहा उस टाइम घुस गया। क्या छोड़ो, कोई बात नहीं, आप तो ये हमारा चंगुल में फंस चुका है। अब बात करते हैं इसको मतलब इसके रिस्पेक्ट कैसे करना है। तो रिस्पेक्ट करने के लिए इसका बहुत सारा ब्रीड होते हैं आप लोग, और ब्रीड का नाम लास्ट में बहुत सारा चीज़ होता है, जैसे गो मीर दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। लेकिन उससे पहले और आपको वो नाम करना है, इसका नाम देखो देसी गो, ऐसा ही कुछ, मतलब लास्ट में गो है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोग पहले से कर सकते हो लेकिन उसमें आप लोगों को पता नहीं है कौन सा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मैं एक नेम चेंज कट कर देता हूँ 100 एम्बर की। ये क्या लिखा है, ओनली अनसेबल यूजेबल वंस पर डे, मतलब डे में एक बार यूज़ कर सकते। कोई बात नहीं, हम लोग डे में एक बार यूज़ करेंगे, बार बार क्यों यूज़ करेंगे भाई। पहले इसको खरीद देते हैं, परचेस 100 एम्बर। ओके अब मैं कम करता हूँ, इन्वेंट्री में चलते हैं, इन्वेंट्री और इन्वेंट्री में इटकिट किधर, हाँ ये रहा, इसको यूज़ करते हैं। अब आप नेम लिखेंगे यहाँ पर, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पर बहुत सारा नेम है इसको टेम करने के लिए, मतलब इसका जो ब्रीड है बहुत सारा ब्रीड है, मीर एस एस ए मू जार गेस्ट ऑन डेन एल, बहुत सारे नेम है। जैसे कि इसका लास्ट में गो है, मतलब डेसी गो, उसी तरह हम लोग अपने नाम के लास्ट में गो लिखेंगे। तो हमारा नाम लेंगे डेविल गो। तो चलो हमारा नाम जो है वो दे देते हैं, इसमें वेट करते हैं, डी ई वी आई एल जी ओ डेविल गो, राइट आप करते हैं, ओके हो गया। ओके नहीं 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 रुको, सारे के सारे लेटर स्मॉल लेटर में करता हूँ, पहले इसको काट देते हैं और उसके बाद लिखते हैं डेविल को। अब ओके करते हैं, ओके हाँ रीनेम 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 करते हैं, ठीक है, चेंज योर नेम टू, हाँ ठीक है ठीक है, फिर रिमेन करते हैं। तो अब शायद से ये रिस्पेक्ट करेगा, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो रिस्पेक्टिव दिख रहे हैं, तो आप ये रिस्पेक्ट करता है आपको और आप इसे टेम भी कर सकते हो। और टेम करने के लिए मतलब इसको पहले अनकॉन्शियस करना पड़ेगा, और इसे अनकॉन्शियस करने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगा ट्रैंक्यूलाइजर। ये ट्रैंक्यूलाइजर क्या होता है, हमारे पास जो गन है ना, इस गन का एमओ है ये जो रेड कलर का ट्रैंक्यूलाइजर, ये
ज्ञान का एमओ है, ज्ञान ज्ञान का जो पहला जो एमओ था उससे क्या आप लोग उसे मार सकते हो लेकिन अनकॉन्शियस नहीं कर सकते, आप इससे कर सकते हो क्योंकि इसके अंदर नार्कोटिक है तो, और ये तेज होता है। आप लोग ट्रैंकरों से कर सकते हो लेकिन इससे ज़रा फास्ट होगा, इसीलिए हम लोग इसे यूज़ करेंगे तो जल्दी ये हो जाएगा। मैं बहुत सारा लेकर के आया हूँ तो इसे मारते हैं। ये ले बेटा एक, अब ये ले दो, तो चलो इसे अनकॉन्शियस करते हैं। A few moments later. तो ये डर गया गाइस, तो जब ये डर गया तो ये अनकॉन्शियस होने ही वाला है। तो हाँ ये लो, ये अनकॉन्शियस हो गया। ये दिखने में तो पीछे से बहुत सारा चीज़ मिला हुआ है, आगे आगे की तरफ देखोगे तो अर्जेंट में इसकी है, पीछे की तरफ सेबरेट उत्पला। तो अब देखते हैं इसका फूड लेवल कितना है। फूड लेवल बिल्कुल फुल है। मेरे पास नार्कोटिक तो यहाँ पर नहीं है, स्टोरेज बॉक्स में है, जा करके स्टोरेज बॉक्स से मैं नार्कोटिक लेकर के आता हूँ। मेरे पास बहुत सारा नार्कोटिक है, बहुत सारा। मेरे को पता नहीं था ना कितना नार्कोटिक चाहिए नहीं चाहिए, तो इसीलिए मैंने जितना नार्कोटिक था मेरे पास सारे के सारे लेकर के आ चुका हूँ। तो ये ले लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः और एक सात, अभी इतना ही लेते हैं, बाद में लेकर के जाएंगे। उसके पास जा करके उसे नार्कोटिक खिला देते हैं और वेट करते हैं कब तक इसे भूख लगेगा। जब इसको भूख लगेगा तब ही इसे खिलाएंगे। तो इसे नार्कोटिक दे दिया, आप वेट करते हैं, देखते हैं कब तक इसको भूख लगता है। 6 hours later. तो गाइस बहुत टाइम हो गया, अब देखते हैं इसको भूख लगा या नहीं लगा। और मैं बता देता हूँ आप लोगों को ये क्या खाता है। ये मीट वगैरह खाता है, मतलब रॉ मीट, कुक मीट, प्राइम मीट, ये सब खाता है। लेकिन गाइस एक चीज़ है जिससे ये जल्दी टेम होता है और वो है एलोसोरस की बिल। लेकिन गाइस मेरे पास एलोसोरस भी नहीं है और एलोसोरस की एक नहीं है, इसीलिए उसका केबिल भी नहीं है। तो मैं एक काम करूँगा, लेकिन उससे पहले एक मैं एक काम करूँगा, मैंने वो क्या कहते हैं चिप स्टेशन ख़रीद लिया है। ये देखो चिप स्टेशन, इससे मैं एलोसोरस एक केबिल ख़रीद लूँगा। इसको पहले प्लेस करते हैं यहाँ पर, इसको मैंने ख़रीद लिया था, आप लोग चाहते हो तो इसको ख़रीद सकते हो, बहुत ही ईजी है। अबे ये देखने में तो किचन की तरफ, यहाँ पर नाइट है, नाइफ है, वहाँ पर स्टोव चल रहा है। खैर इससे मेरा क्या लेना देना है, मेरे को बस ये क्या है, ब्रेड है, मतलब ब्रेड ब्रेड तो चाय बनाने की चीज़ है, चाय भी बना सकते हैं क्या। तो कोई छोड़ो, यहाँ से एलोसोरस के बिल का ढूंढते हैं और उसे ख़रीद लेते हैं। ये पहले ही एलोसोरस के बिल मिल गया तो ले लेते हैं, तीन लेते पहले, बाद में देखेंगे। पहले एलोसोरस के बिल मैंने तीन ख़रीद लिया, अब चलते हैं। रुक 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 एक मिनट, क्योंकि अगर इसको एलोसोरस केबल दे दिया और ये इसका भूख नहीं तभी भी नहीं उठ रहा तो क्या करेंगे। उससे पहले एक मिनट देख लेता हूँ, इसको भूख तो लग चुका है, भूख लग गया। मैं एक कम करता हूँ, मेरे पास बहुत सारा कुक्ड मीट है, इससे कुक्ड मीट लेता हूँ मैं। कितना है, 40 और 21, मतलब 61। तो चलो अब चल करके इसे पहले दूंगा मैं एलोसोरस केबल, उसके बाद दूंगा मीट। तीन एलोसोरस के बिल एक ही बार में दे देते हैं और कितना हुआ, 1.8%। इतना स्लोली देख रहे हो, कितना स्लोली टेम हो रहा है। एलोसोरस के बिल दिया तभी भी इतना स्लोली टेम हो रहा है। तो एक काम करते हैं, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से ना जो 15 स्पीड बढ़ा देता है वैसे एक स्मूदिंग मैम 15 गुण स्पीड बढ़ा देता है। एक स्मूदिंग मैम खरीद लेते हैं और मेजर स्मूदिंग मैम यही खरीद लेते हैं, 45 एम्बर में मिलता है। एक खरीद लिया मैंने और इसे दे देते हैं, बाद में देंगे तो काम चल जाएगा शायद से, क्योंकि मैंने पहले भी इस्तेमाल करके देख चुका हूँ इसे। तो स्मूदिंग मैम दे देते हैं इसे और रिमोट यूज़ आइटम, तो इसे स्मूदिंग मैम खिला दिया। अब शायद से ये थोड़ा सा जल्दी टेम होगा। और ये देखो, ये देखो मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ये देखो 15 गुण स्पीड दे रहे हैं, देख रहे हो यही। तो आप चलो वेट करते हैं। 6 hours later. तो गाइस बहुत टाइम हो गया, अब ये टेम होने ही वाला है। ये 15 गुण वाला वो जो स्मूदिंग मैम है वो मैंने खिला दिया था, इसीलिए ये जल्दी हो गया, नहीं तो बहुत ही टाइम लगा था। और ये लो हो गया। अरे बे बड़ा क्या दिख रहा है, ये ग्रिपिन है ना, ये बहुत ही बढ़िया लगता है मेरे को, बहुत ही बढ़िया है ये। तो पहले एक काम करते हैं इसे, अबे ये बहुत दिक्कत है, इन्वेंटरी क्यों ओपन हो जाता है बाद में। तो पहले इसको स्टॉप कर देते हैं,
स्टॉप हो जा बेटा, हो गया, अब इसको बाहर निकलते हैं, अंदर में देखने में इतना अच्छा नहीं लगता। गेट को ओपन करते हैं पहले, खुल जा, सिम सिम खुल गया। अब एक काम करते हैं, इसको लो और पैसिव कर देते हैं, ठीक है, हो गया। अब स्टॉप भी कर देते हैं एक बार। अब चलकर इसके लिए कोई सैडल की ज़रूरत नहीं होती, वैसे ये सैडल होता है, सैडल भी इसका लगता है, लेकिन बिना सैडल के भी आप इससे सवारी ले सकते हो। देख रहे हो कितना बढ़िया लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ इसका जो काला है ना, ये वाइट कलर का जो पंख है, मैं रेड कलर का कला दूंगा। तो अब मैं इसकी एबिलिटीज़ आप लोगों को दिखाता हूँ। ये बहुत ही तेज भागता है क्योंकि इसका जो पंख है बहुत, लेकिन ये छोटा छोटा जो डायनासोर जैसे कि डोडो वगैरह इसको उठा सकते हैं। ये देखो, ये एक एबिलिटी है, लेकिन इसका जो स्पेशल एबिलिटी है जिसके लिए इसे टेम करना चाहते हैं, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आप लोग इसके साथ थोड़ा सा ऊपर चले जाओ, ऐसे करके थोड़ा सा और थोड़ा सा और ऊपर चले जाते हैं। अब दिखाता हूँ इसका वो स्पेशल एबिलिटीज़। ये जब नीचे की तरफ आएगा तो बिल्कुल रॉकेट की तरह आता है, दिखाता हूँ। ये लो, ये लो, देख रहे हो, यही चीज़ बहुत ही बढ़िया लगता है। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।